नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है दृश्य कलाओं के मूल तत्व। मूल तत्वों में 6 तत्व आपके सामने दिख रहे हैं, अंतराल, रेखा, आकृति, वर्ण, तान, पोत या वयन। पोत को अंग्रेजी में टेक्सचर भी कहते हैं। आप सभी से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिन मित्रों ने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है, वो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन मतलब प्लेलिस्ट में पूरी लिस्ट बनी हुई है, L1, L2, L3 करके, तो उसको पूरी वीडियो को देख लेंगे। इससे क्या लाभ होगा कि आप इसके थ्योरी को भी समझ सकते हैं, साथ ही साथ इसके जो पुराने प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 250 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, 377 प्रश्न हैं इस चैप्टर में, तो 250 से ज़्यादा प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर की खास बात है, इस बुक की ही खास बात है कि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे तो वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएंगी अच्छे तरीके से, तो बाद में वो भूलने की समस्या समाप्त हो जाएगी आपकी। चलिए, इससे भी जरूरी बात यह है कि अरस्तु ने कहा कि आलस्य आत्महत्या के समान होता है। सुकरात ने कहा था कि आलस्य आत्महत्या के समान होता है। और जो मित्र सब्सक्राइब करने में आलस्य कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आलस्य नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आज का पहला प्रश्न और इस प्रश्न इस चैप्टर का 255 नंबर प्रश्न है ना। ये कौन सा खुल गया, 255 नंबर प्रश्न। हाँ, आपके सामने 255 नंबर प्रश्न प्रस्तुत है। प्रश्न कह रहा है कि कला के क्षेत्र में उष्ण रंग कौन सा होता है। इसके पहले भी वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उष्ण रंगों में लाल, पीला, नारंगी रंग आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 256 नंबर प्रश्न में कह रहा है, रंगों के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए पवित्रता शब्द जहाँ पे आ जाए रंगों में, वहाँ पे केसरिया रंग आ जाता है। अपने तिरंगे में भी 3 रंग में सबसे ऊपर केसरिया रंग रखा गया है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है पवित्रता या साहस। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 257 नंबर प्रश्न पे कह चल रहे हैं। 257 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस रंग का नाम बताइए जो लाल रंग के समीप हो। लाल रंग के समीप रोज मेडल रंग आता है। रोज मेडल रंग 2 रंगों से बना है और ये पहला रंग होता है अलीजरीन, दूसरा परफ्यूरीन। 258 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, काले व सफेद रंग को किस रूप में स्वीकार किया गया है। तो गर्म रंगों में आएगा नहीं, प्राथमिक रंगों में आएगा नहीं, तटस्थ रंगों में 3 रंग आते हैं, ठंडे रंगों में नीला रंग आता है। तटस्थ रंगों में 3 रंग आता है, सफेद, काला और ग्रे रंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सफेद, काला और ग्रे रंग तटस्थ रंगों में इनकी गणना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 257 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि 257 कहाँ गया भाई, अच्छा 258 तक हो गया। हाँ, 259 नंबर प्रश्न, 259 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लाल, फिर लाल नारंगी और लाल नारंगी से नारंगी, ये सभी कौन सी योजना में आते हैं। ये सभी समीपस्थ रंग योजना में आते हैं, क्योंकि तीनों रंग एक दूसरे के समीप आते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 260, इनमें से सामान्यतः ऑप्टिक्स का संबंध किससे है। ऑप्टिक्स का संबंध प्रकाश से होता है। हम लोगों ने कहीं पे सुना होगा ऑप्टिक्स रेज, ऑप्टिक्स फाइबर, ऑप्टिक्स केबल, है ना। तो ऑप्टिक्स केबल का मतलब होता है कि वहाँ पे प्रकाश का संचरण किया जाता है, प्रकाश के माध्यम से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। जहाँ पे ऑप्टिक्स शब्द आ जाए, वहाँ पे प्रकाश अगर दिख जाए आपको, तो वहाँ पे प्रकाश पे आप लोग सही टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि बी पे भी लग गया है, तो उसको रफ करके डी पे ही कर देते हैं अकेले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 261 नंबर प्रश्न कह रहा है, सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है। सूर्य तथा रंगों का रिफ्लेक्शन विवग्योर कहलाता है। विवग्योर रंगों का क्रम है, VIBGYOR। आप नीचे व्याख्या में अगर देख रहे होंगे तो आपको वो क्रम दिख रहा होगा। विवग्योर में आ जाता है लाल, नीचे से देखने पे पता चलेगा आपको, रेड से लाल, वाई से पीला, इसी तरीके से हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी, नारंगी।
ऊपर से देखने पे हम लोग ये कह सकते हैं कि बैनी आह पीना ला, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है विबग्योर में, विबग्योर में ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बैगनी सबसे लास्ट में होगा, नारंगी इससे पहले होगा, ठीक है। फार्मूला बैनी आह पीना ला, बैनी से बैगनी, नीला आसमानी, हरा पीला नीला लाल, ठीक है, ये गलत है पूरा, यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये गलत पूरा लिखा हुआ है, बैनी आह पीना ला ये क्रम होता है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, अगला प्रश्न है आपका 262 नंबर प्रश्न होगा। 262 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग को क्या कहते हैं। नीला को जो विरोधी रंग होता है उसे नारंगी रंग कहते हैं। 263 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है स्पेक्ट्रम कलर पद्धति में क्या क्या होता है। स्पेक्ट्रम कलर पद्धति में वॉलेट या पर्पल का तरंग देर सबसे कम होता है, तभी वो सबसे ऊपर रहता है। लाल रंग का तरंग देर सबसे अधिक होता है, तभी वो सबसे नीचे रहता है। तो एक और दो तो यहीं से सही हो गए। तीसरा कह रहा है सहजता से दृश्य रंग सात होते हैं, सही बात है, लेकिन ओस्टवाल्ड ने आठ रंगों को माना है, ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से सात रंगों को दृश्य रंगों में रखा गया है, तो ये तो सही हो गया, एक दो तीन सही है। चौथा कह रहा है वॉलेट रंग दृश्य रंग नहीं, कहे भाई वॉलेट रंग दिखता नहीं क्या, गलत जवाब है। तो एक दो तीन तीनों सही होंगे और ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 264 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से गर्म रंग कौन सा है। गर्म रंगों में लाल पीला आ जाए तो सही लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 265 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनता है। लाल और पीला रंग को मिला के, ऑप्शन नंबर सी, लाल और पीला रंग को मिला के नारंगी रंग बनता है। अगले प्रश्न पे चले, 266 नंबर प्रश्न पे कह रहा है कि आप किन दो रंगों को मिला करके काला रंग बनाएंगे। काला रंग बनाने के लिए कत्थई और नीला, ये दो रंग आवश्यक होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कांच, मतलब कि हरे रंग के कांच में लाल रंग का प्रकाश डालेंगे तो वो काला दिखेगा, तो इससे ये लोग, आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़ जाइएगा काला रंग का निर्माण कैसे होता है, कत्थई और लाल रंग से होता है, ठीक। आगे चल रहे हैं, 267 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा रंग ठंडा होता है। जहाँ पे नीला रंग दिख जाए वो हमेशा ठंडा रंग, लाल गर्म रंग होता है, पीला गर्म रंग होता है, काला विपरीत विरोध का रंग होता है। 268 नंबर प्रश्न कह रहा है मूल रंग कौन से हैं। सामान्यतः तीन रंगों को मूल रंग माना जाता है, पीला नीला लाल, लेकिन ओस्टवाल्ड ने चार रंगों को मूल रंग माना है, उन्होंने हरा रंग को भी मूल रंगों में सम्मिलित किया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पीला नीला लाल, ये तीन रंग आप मूल रंग में इन्होंने बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 269 नंबर प्रश्न में कह रहा है द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन से होते हैं। जहाँ पे पीला नीला लाल रंग आ जाए वो अपने आप गलत हो जाएगा, तो चलिए पहले नंबर पे कह रहा है पीला नीला लाल गलत, पीला इसमें आ गए वो भी गलत, इसमें तो गलत ही है। ये कह रहा है हरा बैंगनी नारंगी, पीला नीला लाल नहीं है। अच्छा, तृतीयक रंगों में दो रंगों का समूह आता है, जैसे कि पीला हरा, मतलब कि हाँ पीला हरा लाल हरा इस तरीके से आएगा, दो रंगों का समूह में वो शब्द आएंगे। 270 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रजनन तथा विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा होता है। प्रजनन तथा विकास के लिए पेड़, हम लोग देखते हैं पेड़ हरा होता है और हरा का विकास का प्रतीक होता है, हरा रंग यहाँ से विकास और प्रजनन का प्रतीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हरा रंग कह रहा है प्रजनन तथा विकास, लाल वीरता आक्रामकता साहस श्रृंगार, श्रृंगार में प्रेम भी आता है, कामुकता भावना, ठीक। नीला ईमानदारी आशा विश्वास का, नारंगी ज्ञान और प्रेरणा का। प्रश्न संख्या 271 की ओर चल रहे हैं, 271 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि किन किन रंगों के मिलने से ग्रे रंग बनता है। ग्रे रंग बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, काला और सफ़ेद मिला दीजिए, ग्रे रंग हो जाएगा, और इसीलिए काला सफ़ेद और ग्रे रंग को आपका शून्य रंग में कहते हैं, तटस्थ रंग में आता है इनकी गणना। चलिए लाल रंग का प्रतीक क्या होता है। लाल रंग का प्रतीक देखिए यहाँ पे दो हो सकता है, प्रेम पराक्रम, लेकिन यहाँ पे पराक्रम प्रेम को माना है, हम लोगों ने देखा था इस उसमें कि श्रृंगार,
इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा था श्रृंगार शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लाल रंग सही हो जाएगा श्रृंगार प्रेम के लिए। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ से प्रेम सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 273 नंबर प्रश्न। डिजाइन के पूर्ण रंग पुनर्प्रकृतिकृत, पुनर्प्रतिकृत मतलब फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट कौन सा है? इसके लिए तीन प्रमुख रंग होते हैं, सियान, मर्जेंटा और येलो। इसे सीम वाई के रूप से भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए 274 नंबर प्रश्न कह रहा है, गर्म रंग कौन कौन सा होगा? ये आप पढ़ पढ़ के पागल हो गए होंगे कि तीन रंग गर्म है, लाल, पीला और नारंगी, उपयुक्त सभी हो गए। 275 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि हमारा जवाब दीजिए। जवाब ये देना है कि चार रंग के बाद यदि छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग विशेष रंग कहते हैं, 4+1 रंग नहीं कहते, अतिरिक्त रंग भी नहीं कहते हैं, 5 रंग की छपाई भी नहीं कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं विशेष रंग। अगले प्रश्न की ओर चलें, वो 276 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि वर्ण की शुद्धता एवं प्रखरता की पहचान करता है, क्या पहचान करता है? सघनता, सघनता जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे वर्ण की मतलब रंग की शुद्धता होगी, जहाँ पे सघनता कम होगी वहाँ पे देखते हैं डल मतलब कि कलर डल हो जाता है, हल्का कलर हो जाता है, हल्का कलर का मतलब ही होता है सघनता कम होगी। 277 नंबर प्रश्न भी आपके सामने है, कह रहा है कि प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम लोगों ने देखा है कि तो कक्षा 10-12 में प्रैक्टिकल कराते हैं ना, प्रिज्म पे टॉर्च मतलब प्रकाश की किरण मारते हैं तो वो अपने 7 रंगों में आ जाता है, स्पेक्ट्रम कलर जिसे कहते हैं, विबग्योर, पैनी, आह, पीनाला। तो प्रिज्म के द्वारा ही हम प्रकाश में उपस्थित रंगों को देख सकते हैं, इंद्रधनुष में भी हम लोग को दिखता है जब बादल प्रकाश की भांति वो प्रिज्म की भांति काम करने लगते हैं। हाँ, तो 278 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सूर्य किरण के रंगों का प्रयोग किसमें होता है? सूर्य किरण के रंगों का प्रयोग हम लोग केवल देखने में नहीं करते, देखने के अलावा भी अन्य कामों में करते हैं, केवल आभास में नहीं करते हैं, आभासी चित्रण में किया जाता है, बिल्कुल सही। कई जगह पे हम लोग देखे होंगे कि सूर्य के प्रकाश का प्रयोग लकड़ी जला के चित्र बनाने में किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़का था, वो बड़ा वायरल हुआ था, वो सूर्य के प्रकाश से लकड़ी को जला करके चित्र बनाता था। वो लेंस लेकर के एक लकड़ी पे चित्र बनाया करता था, लेंस के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को एकत्रित करता था और उसे जलाता था, बड़ी मेहनत के साथ वो काम करता था और हाँ काफ़ी वायरल भी हुआ था। तो वहीं से ये याद कर लीजिएगा, हम देखे तो इसलिए हमको याद हो गया था, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग इसमें किया जाता है, आभासी चित्रण में किया जाता है, आप भी याद कर लीजिएगा किसी तरीके से याद हो जाए तो। 289 नंबर प्रश्न कह रहा है, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग, हमने आपसे कहा पीला, नीला, पीला, लाल, नारंगी ये गर्म रंग होते हैं, काला, सफेद तटस्थ रंगों में आते हैं, लाल काला कोई मतलब नहीं, डी रंग नीला और हरा इसमें शीतल रंग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। विरोधी रंग किसे कहते हैं? विरोधी रंग जो आमने सामने आ जाए उसे विरोधी रंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आमने सामने आ जा रहा है, लाल के सामने हरा तो यही विरोधी रंग हो जाएगा, पीला के सामने बैगनी, नीला के सामने नारंगी, नाना करते प्यार, यहाँ से याद कर लीजिएगा, नाना करते प्यार, तो नीला नीला उल्टा हो जाएगा और इधर आपका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 281, मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम, मोनो शब्द जहाँ प्रयोग हो जाए वहाँ पे एकल शब्द प्रयोग होता है, एक शब्द प्रयोग होता है। चलिए, क्रोम का मतलब होता है रंग, गूगल क्रोम आप लोगों ने सुना होगा, गूगल क्रोम आप लोग देखते होंगे तो उसमें 4-5 रंग होते हैं ना, 3 रंग होते हैं उसमें। आपका किसी एग्जाम में शायद पूछा था कि गूगल क्रोम में कौन कौन सा रंग होता है, उसका क्रम क्या होता है, तो उसका क्रम यही होता है लाल हरा, लाल पीला हरा, लाल पीला हरा और बीच में नीला रंग होता है, ये गूगल क्रोम का श्रेणी होता है।
मोनो मतलब एक, क्रोम मतलब रंग, एक रंग जहां पे हो वही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, एक ही रंग के विभिन्न तान, रंगों के विभिन्न तान नहीं भाई, दो रंग नहीं, रंगों का गाढ़ापन नहीं, रंगों का गाढ़ापन और हल्कापन तो तान में आता है। 281 नंबर प्रश्न में चल रहे हैं, 281 नंबर, 81 हो गया था, अच्छा 282 नंबर प्रश्न, 282 नंबर प्रश्न कर रहा है, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण कौन से हैं। सर्वाधिक सामंजस्य वो रंग उत्पन्न करते हैं जो एक दूसरे के रंग चक्र में एकदम निकट होते हैं। नारंगी को अगर आप दूर से देखेंगे तो पीला पीला हरका प्रतीत होता है, तो नारंगी और पीले में सर्वाधिक सामंजस्यता आती है। सामंजस्यता का मतलब ये होता है एक दूसरे में छिप जाए, उसे एक दूसरे में विलीन हो जाए, उसे कहते हैं सामंजस्यता। एक जैसे कहते हैं ना, सामंजस्य बैठ जाता है पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, तो वही सामंजस्य है जो कि फिर एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं, वो तो आगे की बात आप लोग जानते ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 283 नंबर प्रश्न कह रहा है, बैगनी रंग का विरोधी रंग है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वो जो चक्र था ये चक्र आप लोगों ने देखा था, और उसमें कह रहा है प्रश्न में कि नारंगी रंग का अपोजिट और बैंगनी रंग का अपोजिट, तो प्रश्न में बैंगनी रंग का अपोजिट पूछा है, तो बैंगनी रंग का अपोजिट पीला रंग हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग टिक लगा देंगे, बैंगनी रंग का अपोजिट पीला रंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। 284 नंबर प्रश्न कह रहा है, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की थी। ओस्टवाल्ड की रचना जर्मन के वैज्ञानिक ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, प्रिज्म के आविष्कारक कौन है। प्रिज्म का आविष्कार न्यूटन ने किया था। रंगों को अधिक मिलाने से क्या होता है, रंगों को अधिक मिलाने से उसका मान बढ़ जाता है। 287 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि वर्ण क्या है। वर्ण प्रकाश का गुण होता है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 287 का ए। 288 नंबर प्रश्न कह रहा है, रोड्स के द्वारा किन रंगों को दृश्यानुभूति होती है। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। रोड्स के द्वारा सफेद और काले रंग की दृश्यानुभूति होती है। रंगत के हल्केपन या गहरेपन का क्या कारण है। रंगत के हल्केपन और गहरेपन का कारण है तान। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है किसके द्वारा। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए रंग, रूप, रेखा और रंग तीनों का उपयोग करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सामंजस्य उत्पन्न के लिए रेखा, रूप और रंग तीनों की आवश्यकता होती है। 291 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं। ओस्टवाल्ड के आदर्श वृत्त में 24 रंग होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कार्टून को सचित्र बनाने के, कार्टून को चलाने के लिए कितने रंगों की आवश्यकता होती है, तो इसमें भी 24 रंग होते हैं। वर्ण क्या है, वर्ण प्रकाश की संपत्ति है, संवेदना की संपत्ति, वस्तु की संपत्ति, फर्जी कहानी सब, चलिए प्रकाश की संपत्ति सही होगा। 293 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है। तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है, टिंट नहीं कहते। टिंट किसी रंग में सफेद रंग को मिलाने को टिंट कहते हैं। सेट जब पेंसिल को रगड़ करके, मतलब पेंसिल को चला करके उसमें हल्का करते हैं, तो उसे सेट कहते हैं। पेंसिल से कहते हैं ना, पेंसिल से सेट करना। मध्य प्रकाश का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, तीव्र प्रकाश का है, तो मध्य प्रकाश कहाँ से सही हो जाएगा, तो गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ 295, 296 नंबर प्रश्न पे चल रहे हैं। अच्छा 293 था, तो 294 नंबर प्रश्न क्यों चल रहा है। 294 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप किन दो रंगों को मिलाने पर लगभग काला रंग प्राप्त कर लेंगे। पहला या दूसरा इसी तरीके से प्रश्न यही था, रिपीट हो रहा है, भूरा और नीला रंग को मिलाने से काला रंग की प्राप्ति होती है।
295 नंबर प्रश्न कह रहा है रंग को तकनीकी भाषा में ह्यू कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं, ठीक है, क्रोमा नहीं कहते, कई जगहों पे क्रोमा लिखा मिलेगा, क्रोमा को तकनीकी भाषा में रंग नहीं कहते हैं, क्रोमा का रंग ही मतलब होता है क्रोम का, मोनोक्रोम, गूगल क्रोम। चलिए 296 नंबर प्रश्न क्यों चल रहे हैं, 296 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आ रहा है फिर जा रहा है। चलिए 296 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पूर्ण रंग प्रतिकृति मतलब फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को निम्न में से निम्नलिखित के रूप में जोड़ा जाता है, ब्लैक को किस रंग में जोड़ा जाता है, ब्लैक को हम लोग मुख्य रूप से की कलर के रूप में, मुख्य कलर के रूप में ब्लैक रंग को जोड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 297 नंबर प्रश्न, रेड ऑक्साइड भारतीय लाल से मिलता है, रेड ऑक्साइड किससे मिलता है, भारतीय लाल से, उस रंग का चयन करें जो तेज मतलब गर्म रंगों का हिस्सा नहीं है, मतलब ठंडा रंग होगा, तो ठंडा रंग में पीला नारंगी तो होगा नहीं, लाल भी नहीं होगा, नीला रंग अपने आप सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे, अच्छा 299 नंबर प्रश्न, रंग क्या है, रंग कुल मिला के प्रकाश का गुण है, पोत तो धरातल का गुण होता है ना, रंग का गुण थोड़ी ना होगा, प्रहिता का गुण नहीं होता है, रंग प्रकाश का गुण होता है। चलिए कह रहा है कौन सा रंग इंद्रधनुष के रंग में नहीं आता है, बैनी या पीना ला में भूरा रंग कहाँ से आता है, भूरा रंग कहीं में उसका जिक्र भी नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन तीनों का जिक्र होता है बैनी आह पीनाला में। 301 नंबर प्रश्न कह रहा है लाल रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है, लाल रंग खतरे का निशान होता है, शीतलता का नीला रंग होता है, इसलिए ये गलत, सूर्य के प्रकाश में सिर्फ लाल रंग नहीं होता है, हल्का रंग लाल रंग नहीं होता है, लाल रंग गुस्से का प्रतीक होता है। 302 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक काले और सफेद रंग के चित्रण को क्या कहते हैं, काले और सफेद रंग के चित्रण को हम लोग काले और सफेद रंग के चित्रण को एक रंग का कहते हैं, काले और सफेद रंग के चित्रण को एक रंग का कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 303 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है, लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है, लाल बार बार प्रयोग हो रहा है तो लेपिस लाजुली से लाल मत कर दीजिएगा, ठीक है, लाल नहीं होगा, नीला रंग होगा। 304 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि अभिकथन और तर्क का प्रश्न है, अभिकथन और तर्क के प्रश्न में कह रहा है रंग पोत तथा ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, ठीक है, बात सही है, पोत और ताप के द्वारा धरातल स्पर्श की ज्ञात होती है, चलिए तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म या ठंडा दोनों के बीच, सही बात है, प्रत्येक रंग का अपना गर्म और ठंडा के बीच में एक तापमान होता है, ए और आर दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 305 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 305 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊ या विकास और मंगलता का प्रतीक है, केसरिया रंग तो साहस का प्रतीक होता है, शांति के लिए सफेद रंग, नीला रंग अशोक के चक्र का है, हरा रंग जो होता है वो उपजाऊ विकास का प्रतीक होता है। 306 नंबर प्रश्न ऊपर है, 306 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, पीला नीला लाल इसी में है, यही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, 307 नंबर प्रश्न अभिकथन और तर्क का प्रश्न है, कह रहा है रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है, रागमाला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो रागमाला में क्या होता है, रागमाला में संगीत का चित्र बनाया जाता है, तर्क कह, अच्छा ये सही है, कथन सही है, चलिए तर्क कह रहा है क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सदृश होना आवश्यक नहीं है, सदृश हो सकता है
नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें सही है, इसलिए आर भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ए और आर दोनों सही है। 308 नंबर प्रश्न कह रहा है, सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंग के सही क्रम को चुनिए। सही क्रम क्या होता है? बिबग्योर के आधार पे उसको कहते हैं, या फिर CMYK के आधार पे उसको उसका हम लोग चयन करते हैं। तो CMYK में सबसे पहले आता है सियान रंग, सियान सबसे पहले आता है, ऑप्शन नंबर 3, इसके पीछे एक लिख देते हैं। सियान के बाद आएगा मर्जेंटा, ये दूसरे नंबर पे, और मर्जेंटा के बाद आएगा येलो, ये तीसरे नंबर पे, लास्ट में आता है ब्लैक, ये चौथे नंबर पे। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में सही है, और यही सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 303 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि लेपित लाजुली, फिर से वही शब्द आ गया, हमने बताया था लेपित लाजुली से लल करके लाल मत कर दीजिएगा, नीला रंग होता है, लेपित लाजुली से नीला रंग बनता है। अभिकथन और तर्क का प्रश्न है, अभिकथन कह रहा है कि रंग, अरे फिर से वही प्रश्न है, रंग पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है, बात सही है, क्योंकि प्रत्येक रंग का अपना गर्म और ठंडा या इसके बीच का तापमान होता है, बात सही है। तो ए और आ दोनों सही है, फिर से वही सवाल है। चलिए 305 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय ध्वज में कौन सा रंग उपजाऊ विकास का प्रतीक होता है? वही पेज है क्या यार, पता नहीं, चलिए सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हरा रंग, वही पेज है, चलिए वही पेज है, वही प्रश्न बार बार आ रहे हैं। चलिए ठीक है, अब कल से कल मतलब प्रश्न संख्या 309 से शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में।